इन इलेक्शनों में जो मैंने देखा, बहुत से इलाकों में जाकर लोग चाहते हैं कि अपने नुमाइंदे चुने, और मैंने ये भी देखा कश्मीर में अक्सर जगहों पर बड़ी तादाद में लोग घरों से बाहर आते हैं और अपने वोट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो मैंने देखा है कि हुकूमत का जो दावा है कि सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स पूरे हैं, हर जगह पूरे हैं, लेकिन ये एक खोखला नारा है। और मैंने देखा कि अक्सर जगहों पर सिक्योरिटी का नाम निशान ही नहीं है, और जो कैंडिडेट हैं अगर कहीं कहीं उन्होंने शिकायत की या उन्होंने मुतालबा किया कि हमें सिक्योरिटी मुहैया कीजिए, तो उनको कमरों में बंद किया जाता है और उनको घर से बाहर निकलने नहीं देते। लोग चाहते हैं कि वोट डालें, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उनको कोई अरेंजमेंट नहीं है। फिर भी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं मैं कि लोग जोग दर जोग वादी कश्मीर में भी और जम्मू डिवीज़न में भी तीन मरहलों में लोग आए सामने और अपने वोट का इस्तेमाल किया। अक्सर मैंने देखा कि जो बीजेपी है और उसके अलायंस पार्टीज, अपनी पार्टी या और कोई जमात उनके साथ जो मुंसलिक है, उनको बाज़ाब्ता सिक्योरिटी मुहैया की गई है। जो मेन सिटी पार्टीज हैं, चाहे वो नेशनल पार्टीज हैं या लोकल पार्टीज, उनको कोई सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाती है। अक्सर मैंने देखा कि मैंने भी जब सिक्योरिटी मांगी, क्योंकि मैं भी खुद जड़ कैटेगरी में हूँ, जब मैंने सिक्योरिटी मांगी तो मुझे कहा गया सिक्योरिटी हमारे पास गाड़ियाँ नहीं। ये अक्सर शिकायत है, ये मेरी ही शिकायत नहीं है, मेरे पार्टी के हर एक साथी की ये शिकायत है। आज भी मैं कोकरनाग जाना था मुझे, मैंने दो तीन जलसे वहाँ रखे थे, कहा गया मुझे हमारे पास गाड़ियाँ नहीं है। जब मैंने इसरार किया कि गाड़ियाँ क्यों नहीं है, तो फिर इलेक्शन नहीं करने चाहिए। जब आपके पास मुकुल सिक्योरिटी नहीं है तो आपको इलेक्शन नहीं करना चाहिए। जब आपने इलेक्शन का बुलंद बांग दावा कर रहे हैं, इलेक्शन करवाने हैं, लेकिन लोगों को सिक्योरिटी भी फराहम कर दीजिए, उसका फकदान है। एक बात तो ये मुझे कहना है, और दूसरी बात ये कि यहाँ सिक्योरिटी के अफसर चार चार पाँच पाँच साल से बैठे हैं अपने अहदों पर, और पता नहीं है वो क्या करते, टेलीफोन तक नहीं उठाया जाता है। अगर टेलीफोन उनको कोई करे कि मुझे सिक्योरिटी दीजिए या कुछ, वो टेलीफोन पर जवाब नहीं देते हैं। ये है यहाँ एक अफसर के बारे में जो कश्मीर सिक्योरिटी का इंचार्ज है, चार साल पाँच साल से बैठा है और पता नहीं है क्या 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 गुल खिलाए हैं उसने अपने दफ्तर में, और उसकी तहकीकात होनी चाहिए। और इसका सवाल मैं पार्लियामेंट में भी उठाऊंगा कि जो यहाँ सिक्योरिटी की तरफ से लैप्सेस है वो किस तरह से है, और किस तरह परेशान किया जाता है अपोजिशन के लोगों को, गाड़ियाँ अलाट की है बीजेपी के लोगों को, गाड़ियाँ अलाट की है अपनी पार्टी के लोगों को, बाकी पार्टियां कहाँ जाए, वो कंप्लेन भी नहीं कर पाते हैं। इनको एक आदत थी कि इलेक्शन में 3% 2% वोट पड़ते थे तो अपने नुमाइंदे बनाते थे, लेकिन आज वो ज़माना चला गया।
आज कश्मीर के लोग 80% से ज़्यादा वोट डालेंगे। और वो ज़माना जब खलील खान फाकता उड़ाता था, वो ज़माना इनको गया अब। और आज लोग कश्मीर के बड़े उनको एक जागृति आई है और वो अपने कुमती वोट का इस्तेमाल करेंगे। और ऐसे लोगों को कभी भी बर्दाश्त नहीं करें जो फिरकपरस लोग हैं, उनको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमने ये फैसला किया है कि फिरकपरस लोगों को सामने आने नहीं देना है। और कश्मीर के लोग भी चाहते हैं कि यहाँ सेकुलर पार्टी सामने आए और अच्छे अच्छे लोग सामने आए। हम भी अच्छे लोगों की मदद करते हैं और अच्छे लोग सामने आने चाहिए। यही मुझे आज